अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं आज बनाने जा रही हूँ सूजी के चीले, जो कि हेल्थ के लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। इसमें मैंने सारी रॉ वेजिटेबल यूज़ की हैं। अगर आपको वेट लूज़ का प्लान है तो आप ये ज़रूर बना के खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बोल लिया है और उसमें मैंने इस कप की मदद से 2 कप भर के सूजी ली है। तो ये देखिए, मैंने इसमें 2 कप सूजी डाल दी है और इसके बाद इसमें मैं डालूंगी 1 कप दही। तो ये देखिए, सूजी मैंने इसमें डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे दही। तो दही भी हम इसी कप की मदद से डालेंगे। तो ये मैंने 1 कप दही लिया है, ये देखिए। और अब मैं दही को बोल में डाल दूंगी। तो सबसे पहले मैंने ये पानी लिया है, ये मैं 2 कप पानी लूँगी, उसी कप की मेजरमेंट से मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से डाल के और मिला लिया है और सूजी को फूलने के लिए रख दिया है आधा घंटे के लिए। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसको मिला के रख दिया है। और ये मैंने सारी रॉ वेजिटेबल्स जो हैं इनको कट कर लिया है, जिसमें मैंने ली है गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, और ये मैंने टमाटोज लिए हैं और प्याज ली है और अदरक ली है। और ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही बारीक बारीक काट लिया है। और इन सभी चीज़ों को हम जो मैंने बैटर तैयार किया है उस बैटर के अंदर मिला लेंगे। तो ये देखिए, हरी मिर्ची भी है इसमें और ये सारी चीज़ें मैं बैटर के अंदर डाल दूंगी। तो ये देखिए, मैंने इसमें प्याज डाल दी है और प्याज को भी मैंने बहुत ही बारीक काटा है। अदरक का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। ये मैंने शिमला मिर्च भी इसमें ले ली है, इसके साथ गाजर भी इसमें डाल दी हैं। तो आप और कोई भी अगर सब्जी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो मेरे पास अभी यही अवेलेबल थी, तो मैंने ये सारी इसमें डाल दी हैं। हेल्थ के लिहाज से ये जो सूजी के चीले होते हैं वो बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। तो ये देखिए, सारी चीज़ें मैंने बैटर में डाल दी हैं और अब हम बैटर को अच्छे से चला लेंगे। इससे पहले हमने इसमें डाल दिया है रॉक सॉल्ट 1 चम्मच, और इसके साथ ही अब मैं डालूंगी कुटी हुई मिर्च, ये भी मैंने 1 चम्मच ली है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने ली है कुटी हुई काली मिर्च। और अब मैं ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लूंगी। तो ये देखिए, बैटर हमारा फूल चुका है और जो सूजी है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है दही और पानी के साथ। तो ये सारी सब्जियों को मैंने बहुत अच्छे से मिला लिया है और जो मैंने पानी रखा है, अब वो मैं पानी इसमें डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैं इसको चला लूंगी, ताकि हम अपने हिसाब से जिस तरीके का हमें चीला बनाना है उस लिहाज से हम इसमें पानी डालेंगे। अगर हमको बिल्कुल पतला बनाना है तो पानी हम ज़्यादा डालेंगे, और अगर आपको थोड़ा सा थिक बनाना है तो आप पानी इसमें कम डालें। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये पानी डाला है और अच्छे से इसको मिला लिया है। तो इस तरीके से हमें इसको चला लेना है। तो ये देखिए, सारी सब्जियां और जो हमारा दही और सूजी का जो बैटर है वो बिल्कुल मिल चुका है अच्छी तरह से, और ये मैंने चारों तरफ से अच्छे से इसको साफ करके मिला लिया है और अच्छे से फेंट लिया है, ताकि जो हमने ड्राई मसाले जो डाले हैं वो सब एक साथ मिल जाएं। तो चलिए, अब मैं चीला बनाती हूँ। ये मैंने पैन को गर्म करने के लिए रखा है और अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल और पानी से इसको ग्रीस कर दूंगी, ताकि ये चीले जो हैं हमारे चिपके नहीं। मैंने वैसे तो ये नॉन स्टिक है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा गर्म पानी, जैसे ही तवा गर्म होता है उसको हमें ठंडा करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आप इसमें पानी डालिए और थोड़ा सा ऑयल या घी डाल के इसको अच्छे से ग्रीस कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा चीला जो है अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी चीला। मैंने चम्मच की मदद से 1 चम्मच भर के अच्छे से बैटर डाल दिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लूंगी। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने चारों तरफ इसको फैला लिया है और गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो रखा है, ताकि बिल्कुल स्लो गैस के ऊपर ही ये चीला हमारा बहुत अच्छे से सिक जाएगा। और इसके ऊपर मैंने हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। तो ये देखिए, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है
और खाने में भी उतना ही जायके का बना है। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है ताकि जब हम इसे पलटें तो ये अच्छे से सिक जाए। और इसको मैंने 5 से मिनट के लिए कवर करके रखा है। तो ये देखिए कितने जल्दी ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। और अब मैं इसको अच्छे से पलट लूँगी। कितना अच्छा सा हमारा कलर आ चुका है इसका। और ये बिल्कुल स्लो स्लो पे ही बहुत अच्छे से नीचे से सिकने लगा है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखिए कितनी जल्दी से हमारा ये चीला बनके तैयार है। और बस बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमें इसे निकालना है। तो ये देखिए इस तरीके से एक साइड से ये बहुत अच्छे से सिक चुका है। अब मैंने इसको पलट दिया है, दूसरी साइड से भी सिक जाएगा। तो बड़ी जल्दी ही ये बन जाते हैं और खाने में बड़े मज़े के लगते हैं और बहुत जल्दी हज़म हो जाते हैं। तो इसके साथ मैंने पुदीने की चटनी बनाई है और ये मैंने सॉस रखा है। तो ये देखिए हमारे ये सूजी के चीले बनके तैयार हैं। तो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और न्यू है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए तो चलती हूँ और मिलती हूँ अपनी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।